प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि क्षेत्र में करीब 35 लाख लोगों को मिल सकेगा रोजगार। राज्य में आज से क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटलों को खोलने की अनुमति, प्रदेश के भीतर ही चलेगी यात्री बसें। राज्य सरकार अब निर्धारित दरों पर पशुपालकों से खरीदेगी गोबर, हरेली पर्व से शुरू की जाएगी गोधन न्याय योजना। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने 12 अगस्त तक सामान्य ट्रेनों के परिचालन पर लगाई रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि क्षेत्र में करीब 35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ये बात प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अभियान से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा होगा, साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में कारगर साबित होगा। भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेज गति से ले जाने का अभियान या फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान हो, उत्तर प्रदेश यहां भी बहुत आगे चल रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को आय के साधन बढ़ाने के लिए गांवों में अनेक प्रकार के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। गरीबों के लिए पक्के घर का निर्माण हो, सामूहिक शौचालय कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण हो, पंचायत भवनों का काम हो, कुएं तालाब बनाना, सड़कें बनाना, इंटरनेट की लाइनें बिछाना, ऐसे 25 कामों की लिस्ट केंद्र सरकार ने बनाई है। आज इसको विस्तार देते हुए, इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी शामिल करते हुए, उत्तर प्रदेश ने सीधे करीब करीब सवा करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क लगाना और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। राज्य सरकार ने आज से क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही राज्य के भीतर आज से यात्री बसें भी चलाई जाएंगी। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में करीब 96 दिन बाद इससे सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना संक्रमण के स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अनलॉक 1 के बीच इन गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए। हालांकि यात्री बसों से लेकर मॉल, होटल तक सभी में कोरोना से बचाव संबंधी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल के भीतर गेंद और ऑर्किड तथा बच्चों के प्ले एरिया के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केवल खेल गतिविधियां संचालित हो सकेंगी, लेकिन दर्शकों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। होटलों में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे पहले पिछले दिनों होटल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर राज्य में होटल और रेस्तरां खोलने की अनुमति मांगी थी। होटल कारोबार से जुड़े कर्मचारियों ने इसे राहत भरी खबर बताया। उन्होंने कहा कि होटलों में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट ओपन करने का ये मिला है और इसमें हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए
और हम लोग आते बराबर गेस्ट को पहले स्कैन करते हैं, उनसे हैंड सैनिटाइज कराते हैं, और मास्क हमारे लिए एसेंशियल है कि जो भी आएगा वो मास्क पहन के ही हमारे होटल में आएगा। प्लस हम अपने स्टाफ का भी इस तरीके से ही हम चेक करते हैं, पहले स्कैन करते हैं, उनसे हैंड हाथ धुलवाते हैं उनसे। स्पेशली ये एक सिक्योरिटी रखा हुआ है जो एंट्री पॉइंट पे ये चीज़ों का ख्याल रखता है, और उनका मैंडेटरी है कि उनका ग्लव्स, शावर कैप और उनके जैसे सर ढके रहे और उनके मुंह में मास्क लगा रहे। और हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम चीज़ों का ह्यूमन टच हो। पहले जैसे हम लोग क्या करते थे, 4 आदमी के लिए एक टेबल बुकिंग होता था, आज के दिन में वही टेबल में हम लोग 2 आदमी को और दोनों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में लॉकडाउन के दौरान बंद सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी आज से शुरू हो गई हैं। इसके तहत राज्य में जिलों के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले के बीच ही यात्री बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। ये बसें दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगी, साथ ही बस संचालकों को यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। प्रदेश में अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2400 के पार चला गया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 128 मरीज स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या करीब 800 है। राजधानी रायपुर में आज कोरोना संक्रमण के 11 नए मरीज पाए गए हैं। इनमें रायपुर एम्स के 3 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक रायपुर में 256 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 150 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राजधानी में 106 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 21 मरीज ऐसे हैं जो विदेशों से लौटे हैं। उधर राजनांदगांव जिले में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इस बीच राजनांदगांव शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक फ्लैग मार्च किया। शहर के महावीर चौक से शुरू हुआ फ्लैग मार्च मानव मंदिर चौक, सदर लाइन, वसंतपुर, इंदिरा गांधी चौक सहित अन्य क्षेत्रों से होते हुए मानव मंदिर में ही खत्म हुआ। इस फ्लैग मार्च में जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश चौबे के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकलें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। जैसे कि खबर दी जा चुकी है कि राजनांदगांव जिले में अब तक 213 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 79 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य ने गोपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत हरेली पर्व के दिन से की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से मीडिया कर्मियों के साथ डिजिटल माध्यम के जरिए बातचीत करते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य गौ पालन को बढ़ावा देने के अलावा उनकी सुरक्षा भी करना है, साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत पशुपालकों से गोबर खरीदने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। इसके लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। श्री बघेल ने उम्मीद जताई कि इस योजना के शुरू होने से गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरों में लावारिस पशुओं की रोकथाम और गोबर खरीदी से लेकर इसके जरिए वर्मी खाद के उत्पादन तक की पूरी व्यवस्था नगरीय प्रशासन के हाथों में होगी। श्री बघेल ने बताया कि वर्मी खाद के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और जैविक खाद के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार बाजार भी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने ये भी बताया कि वर्मी खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रेलवे ने आगामी 12 अगस्त तक सामान्य ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय ने आगामी 1 जुलाई से 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला लिया है। आगामी 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच इन नियमित यात्री ट्रेनों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को दिया जाएगा।
लेकिन वर्तमान में संचालित सभी 230 स्पेशल रेलगाड़ियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी, जिनके लिए 21 मई को या उसके बाद टिकट बुक किए जा रहे हैं। इनमें बीती 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी ट्रेन और बीते 1 जून से संचालित स्पेशल मेल और एक्सप्रेस सेवा शामिल है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी, इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो आगामी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी थी अब रद्द कर दी गई है। वहीं विद्यार्थी आकलन योजना के आधार पर इन परीक्षाओं के परिणाम आगामी 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। CBSE ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की रद्द परीक्षाओं में विद्यार्थियों का मूल्यांकन इन कक्षाओं के परिणामों के लिए बनाई गई सक्षम समिति के सुझावों के आधार पर किया जाएगा। बोर्ड ने बताया है कि जिन विद्यार्थियों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जबकि जिन विद्यार्थियों ने केवल 3 विषयों की परीक्षाएं दी हैं, उन्हें बेहतर प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे, जबकि जिन छात्र छात्राओं ने केवल 1 या 2 विषयों में परीक्षा दी है, उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय और आंतरिक प्रायोगिक तथा परियोजना परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। CBSE 12वीं कक्षा के लिए उन विषयों में बाद में ऐच्छिक परीक्षा आयोजित करेगा जिन विषयों के पर्चे रद्द कर दिए गए हैं। आकलन योजना के आधार पर घोषित परिणाम में जो विद्यार्थी सुधार करना चाहते हैं वे इन ऐच्छिक परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में एक ओर जहां रोजगार मिलना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है, ऐसे समय में आजीविका के नए नए साधनों का भी जन्म हो रहा है। ऐसी ही पहल धमतरी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत की गई है। अभियान के तहत जिले के नगरी विकास खंड स्थित जबर्रा और धमतरी विकास खंड के छाती गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं को बांस से आकर्षक और कलात्मक गहने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह है कि गांव की बाड़ी में उगाए गए बांस और परंपरागत औजार के इस्तेमाल से इन गहनों को बनाया जा रहा है। इनमें झुमके, टॉप्स, चूड़ी और हार शामिल है। प्रशिक्षण ले रही युवतियों ने बताया कि प्लास्टिक मुक्त चीजों का उपयोग कर गहने बनाए जा रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ जितने भी साथी आ रहे हैं वो सब बांस का डिजाइन देकर कान का, गला का, राखी वगैरह सब कुछ बना रहे हैं और यहाँ केवल धागा मोती वगैरह यूज करते हैं। प्लास्टिक का यहाँ प्लास्टिक का कोई भी प्रकार का यहाँ यूज नहीं हो रहा है। मेरा नाम कुमारी दुर्गा चंद्राकर है, मैं ग्राम छाती से हूँ। हम लोग को करीबन 18 से 20 दिन हो गए यहाँ। बैम्बू से हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, तो हाथ में जो चूड़ी वगैरह पहनते हैं महिलाएं यूज़ करते हैं, वो चूड़ी बनाते हैं। वो चूड़ी, राखी है, जैसे इयररिंग्स वगैरह है, वो सब बनाते हैं। प्रशिक्षण संस्था के समन्वयक मोहित आर्य ने बताया कि इन कलात्मक गहनों को बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उद्देश्य यह है कि महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। जैसे कि अभी कोविड है और कोविड के परिस्थितियां हैं, उस पर हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आजीविका पे प्रभाव पड़ा है महिलाओं के, तो हम उनको कुछ आजीविका के साधन में बढ़ोतरी कर पाएं और ताकि इन लोग कलात्मक रूप से कुछ नए चीज़ों का उत्पादन कर पाएँ और इनकी आजीविका में बढ़ोतरी हो पाए और ये आत्मनिर्भर बन पाए, उस दिशा को देखते हुए यहाँ पर राखियाँ बनाई जा रही हैं। और इसमें जो भी इन लोगों ने बांस उपयोग किया है, ये इनके घर के बाड़ी का है, इनके गांव का बांस है। वृहद स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत सारे कंपनी से, कंसल्टेंट से सलाह ले रहे हैं और मार्केटिंग क्लिक प्लान बना के सोशल मीडिया हो, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो, ऑफलाइन मार्केटिंग हो, उस दिशा में हम लोग काम करें ताकि इनको एक रोजगार का एक नया अवसर उपलब्ध हो पाए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता गांधी ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन गहनों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के अलावा अन्य माध्यमों से भी किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि क्षेत्र में करीब 35 लाख लोगों को मिल सकेगा रोजगार।
राज्य में आज से क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटलों को खोलने की अनुमति, प्रदेश के भीतर ही चलेगी यात्री बसें। राज्य सरकार अब निर्धारित दरों पर पशुपालकों से खरीदेगी गोबर, हरेली पर्व से शुरू की जाएगी गोधन न्याय योजना। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने 12 अगस्त तक सामान्य ट्रेनों के परिचालन पर लगाई रोक। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।